वाहे गुरु वाहे गुरु। आप जी सारे जानो के एक लंबे अरसे बाद सानू ये मौका मिलिया है के गुरु घर की सेवा में जड़ा है असी ऐसा नुमाइंदा भेजिए जड़ा गुरु नाल प्यार करता होवे, गुरु घर नाल प्यार करता होवे और गुरु की साजी नवाजी संगत नू प्यार करता होवे। सरदार परमजीत सिंह जी खुराना जी पंथक सेवा दल तो वार्ड रजिंदर नगर जिहड़ा 13 नंबर है उत्थों दी सेवा वास्ते इन्हां नू सारी संगत ने नवाजिया है, इन्हां नू अगे लिआंदा है और पंथक सेवा दल जिहड़ा है वह अपने नाम के मुताबिक ही है। उन्होंने अपने आप नू कोई पार्टी नहीं लिखिया, कोई अकाली दल नहीं लिखिया, उन्होंने सेवा दल किया है। ये असी देख के बड़ी खुशी हुई सानू उस वेले कि जिसले तुसी उन्हां दा मैनीफेस्टो पढ़ो पहली बारी जिसले कोछड़ साहब दे कोल गए आ और उन्होंने जिहड़े अपने एम्स बनाए हुए सी वो देखे ने ते दिल गद गद हो गया कि उत्थे एजुकेशन की गल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की गल है, सेवा की गल है, सत्कार की गल है, उत्थे राइट्स की गल बिल्कुल नहीं सी कि सानू हक की चाहिए है, वह नहीं सी कितने भी। और यही चीज़ कितने ना कितने मैनीफेस्टो च भी क्लीयर है कि जिहड़े नुमाइंदे चुन के आणगे वह सारे सेवादार होकर सेवा करनगे, उन्होंने अहुदेदारियां नाल मतलब नहीं है। इहदा जिंदा जागदा साडे कोल जिहड़ा है एक उदाहरण साडे वीर परमजीत सिंह खुराना जी साडे नाल ने, अज तो नहीं एक लंबे अरसे तो जिहड़ा है साडे विच सेवा कर रहे ने और आप नहीं सी इंट्रस्टिड कि असीं इलैक्शन लड़नी है। जिसले पंजाब दे विच घल्लूघारे का समय दोबारा आया, गुरु साहब दे अंग जड़े ने उन्हां नूं सड़कां ते बेअदब किया गया, बुजुर्ग जड़े सन जिसले उन्होंने रोस जाहिर करन की कोशिश की उस वेले उन्हां दी दस्तारां उतार के केसां तां फड़ फड़ के खिंचया गया, उन्हां नूं बीबियां जिसले आईयां ते उन्हां नूं लटा लटा के लत्तां मारियां गईयां। इन्हां सारी चीज़ां नूं देख के संगत विच भारी रोस हैगा और किते ना किते एक सीकुएंस बनी हुई सी कि टर्न बाई टर्न जिहड़ा है दोवें जथेबंदियां जिहड़ियां दिल्ली सीगियां वह आंदियां सन, उन्हां ते इल्जाम लांदियां सी, उन्हां ते इल्जाम लांदियां सन, साबत अज तक कोई किसे ते नहीं कीता, ना किसे नूं पनिश कीता ना पेनालाइज कीता। अज वह लोग सामने आए ने साडे वीर गुरराज सिंह जी वर्गे, साडे वीर इंद्रजीत सिंह मोंटी जी वर्गे। मैं आप जी नूं दसां मैं तकरीबन मैनू मेरी झोली सेवा पई है पिछले 30-35 साल तो आनंदपुर साहब होले महल्ले ते जाने आ, अज तक मोंटी वीर जी ने मेरी शक्ल नहीं देखी, मैं उन्होंने नहीं देखी, असी एक दूजे नूं जे आपणे सामने हो जाइए ते कग्रेज नहीं कर सकते। इस तरह गुरु लाल वीर जी ने भी हुण मैनूं रिमाइंड कराना पिया कि इन्हां ने मेरी मदद की सी किसे काम वास्ते, मनमिंदर भाजी ने इन्हां नूं रिक्वेस्ट की सी ते इन्हां ने उस नूं प्रवान किया और मदद की सी। याद दिलाना पिया ऐसी शख्सियतां ने जिहड़े सेवा करदे ने और भुल जांदे ने। मैं मोंटी जी दी जिक्र कर रहा सी, अज तक उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, मैं उन्होंने नहीं देखी, फोन दे उत्ते मैं उन्होंने बेनती करदा और साढ़े वास्ते उत्थे आनंदपुर साहब अकोमोडेशन बुक हो जाती है। ऐसे सेवादार पंथक सेवा दल च ने भाई वीर गुरराज सिंह जी वर्गे, सरदार करतार सिंह जी कोछल वर्गे, साडे वीर परमजीत सिंह जी खुराना वर्गे और 46 सीटां ते परमजीत सिंह खुराना सजे हुए ने जिन्हां दे दिलां च सेवा दा जज्बा है, सेवा दी जोत है। मैं वीर गुरराज सिंह जी जिहड़े साबका मैंबर ने और पिछली चोण च इन्होंने हुण भी मैंबर ने और उस वेले मैं जिहड़ा कहना चाह रहा सी भावना चाह के कि दिल्ली दे थंब नूं हिलाया सी, जिहनूं असीं दिल्ली दा थंब कहिंदे आ उहनूं हराया सी, उहनूं हटा के जिहड़ा ना आप सजे सन। मैं उहनां नूं बेनती करांगा कि पंथक सेवा दल दे जिहड़े विजन ने उहदे उत्ते रोशनी पाउण। सरदार गुरलाल सिंह ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਈਏ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ,
गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आप च गुरुआं दे विचार ने, विचारां दे उपासक आ। पर कई बार बड़ा अफसोस होंदा कि असीं विचारां नूं खत्म कर दिंदे। हुणे भाई साहिब कह रहे सीगे कि इक थंभ नूं हरा के गुरनाथ जी आए सीगे। मैं कहना मैं सिक्खी नूं हारदे होए देखिया कमेटियां दे अंदर। असीं किसी नूं हरा के आउने, जित के आउने, तां कोई मतलब नहीं रह जांदा। जो तो जिस कमेटी के अंदर पहुंचते हैं आप वेखने, चार साल के अंदर चार साल का समा बीत जाता है तो सिखीजम लैके एक भी मीटिंग नहीं होती। साड़ी मीटिंग होंगे फिनेटिक काइंड, कीर्तन दरबार होने हैं, लाल किले तक प्रोग्राम करना है, इंडिया गेट तक प्रोग्राम करना है। लेकिन एक्चुअल गरीब सिख दिल्ली सरवाइव करना बहुत औखा काम है। मैं गरीब बस्ती में बहुत घूमया, 80% जिहड़ा सिख है दिल्ली बिलो पॉवर्टी लाइन, 25-25 गज दे मकान च रहे, उहदी नीड की है, उहदा हेल्प किदां कर सकदे आ। जिदा मैं तुहानूं दसदा, मैं जदों उहनां दी बस्तियां च जाना, डैथ हो जांदी है ते उहनां कोल अखंड पाठ साहिब रखवाउण दे पैसे नहीं है। उह हुण सुखमनी साहिब दा पाठ पा के भोग पा रहे आ किसे दी डैथ ते। इह साडी कम्युनिटी जिहड़ी गुरुद्वारां दे विच सोने लगा रही है उहदे वास्ते बड़ी अनफॉर्चुनेट पोजिशन है कि आपां गुरुद्वारे दे सोने की करांगे जदों किसी सिख दे मरण दे असीं रिचुअल भी पूरे नहीं कर पा रहे। ते पंथक सेवा दल ने पहला वादा यही किया सीगा कि जे असीं पावर च आउने आ, जे सानूं सेवा मिलदी आ, ते जे परिवारां वास्ते पूरा अखंड पाठ साहिब कीर्तन लंगर दी व्यवस्था कमेटी वल्लों कीती जाएगी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बेसिक नीड मैं देखता टेस्ट जो के पैसे नहीं है, बीमारी कैरी करते रहते, डरते हैं जो मैं चेक करा ला तो बीमारी निकल आई तो इलाज कितों कराऊंगा, इस तो अच्छा पता ही ना लगे, कैरी करते रहो। कई लोगों के मैं जो टेस्ट कराए तो इन्नी गंभीर बीमारियां सी, बट वो कहते तुम रहन दो जी, घर भी ना दस्यो, मैं कितों दवाई लूंगा, मेरे को है ही नहीं पैसे। तुम आते हो, आते ही 24 इनोवा खरीद लेंगे, 24 गड्डिया थोड़े को आ जाएगा, तेल गुरुद्वारे साहब तो, ड्राइवर गुरुद्वारे साहब तो, अपने परसनल कामों वास्ते रखी है, एक साड़ी गड्डी प्रधान साहब 10 सेवादार बिठा के अगे ला लेंगे, एक पिछे ला लेंगे, एक साडा मनजिंदर सिंह सरसा अगे ला लेंगे, पिछे ला लेंगे। यार अज तो पहला भी तुम कले घूमते सी, हुण तुहानूं किहड़ा खतरा पैदा हो गया, सेवा वाली थां ते सेवा समझो तुहानूं खतरा ही नहीं है। करोड़ां रुपए का तेल का बिल चार साल च इन्हां गड्डियां का पिया होया। साडा दूजा वादा सी साडे किसी मैंबर नूं गड्डी नहीं मिलेगी, इह 24 दे 24 इनोवा नूं असीं एंबूलेंस कन्वर्ट कर दांगे। इन्हां विच इक डॉक्टर बैठे ने, गरीब बस्तियां च जाएगा, उत्थे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देगा, शाम तो ड्राइवर वखरा होगा, जे रात नूं कोई एमरजेंसी पैंदी है किसी सिख नूं, किसी भी सिख नहीं किसी भी लोड़वंद नूं होस्पिटल पहुंचाने दी, जो कि एक कहिंदे आ ना वी सरबत दा भला साडा मोटिव है, ते इही कारां इही एंबूलेंस उहनां नूं होस्पिटल पहुंचाने दे वी कम आउणगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं कहना साडे सिख कौम दे विचार किथे चले गए कि गुरुआं दी साखियां सिर्फ आपां कन्न रस वास्ते सोच रहे, साखियां सुनदे आ कि इह स्टोरीज है। मैं गुरु नानक साहब दी साखी नूं अज सवेरे भी वर्णन कर रहा सीगा कि उह कदी किसी अमीर दे घर नहीं रुके, गरीब दे घर रुकदे सी जिथे मेहनत दी कमाई दी खुशबू होंदी सी। इदां ही एक साखी है भाई लालो जी, एक कारपेंटर आ भाई लालो, उहदे घरे रुके हुए आ, ते मलक भागो उस शहर दा एक सेठ आ। गुरु साहिबां दी प्रसिद्धि चारे पासे सीगी कि परमात्मा नाल मिलन हो चुक्या, परमात्मा रूप हो चुक्या, ते कहंदे आ कि जदों लालो दी रोटियां कहंदे इन्नी औखियां हुंदियां सन, सुक्कियां रोटियां हुंदियां सन, वी चबाणा वी औखा हुंदा सीगा, ते कहंदे वी मलक भागो ने कई वारी इनविटेशन भेजिया, गुरु साहिब गए नहीं, ते इक दिन कहंदे वी पूड़ियां दे थाल 36 तरह दे पकवान आप लैके गुरु साहिबां दे अगे आ गया, ते गुरु साहिबां ने छकण तो मना करता। जदों पुछदा कि देखो तुसीं सुक्की रोटियां छड्डी जांदे, मैं इन्ना कुछ लैके आया,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋੜੇ ਰਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਰਾਸ ਦੇ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪੂੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਚ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਖਾਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੀ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਫੇਮਸ ਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਭ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਫੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਗਾ